हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक किड एंड कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, हर कोई आपको ये चीज बोलता है कि इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या होता है कि रीडिंग करो, रीडिंग करना है। लेकिन रीडिंग करना है तो क्या रीड करना है? यदि मैं आपको डायरेक्टली न्यूज़पेपर यहाँ पर लगाकर देती हूँ और आपको बोलती हूँ रीड करो और समझो, तो आपको समझ में आएगा क्या? अभी तक आपके टेंसेस क्लियर नहीं हुए, आपको क्या तुरंत समझ में आ जाएगा? आपने कोई एक्टिविटी भी नहीं की है, तो न्यूज़पेपर पढ़ना क्या तुरंत हो सकता है? पहला तो क्वेश्चन मेरा ये है आपसे। यदि हो सकता है तो ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे सामने, हमें समझ में नहीं आता है कि हमें किस दिशा में जाना है जहां पर हमारी एक्टिविटी एकदम सॉलिड हो सके, बहुत ही अच्छी हो सके। तो फ्रेंड्स, इसी प्रॉब्लम को समझते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी सीरीज लेकर आई हूं। यहां पर आपको स्टोरी राइटिंग मिलेगी, पैराग्राफ राइटिंग मिलेगी और साथ में आपको न्यूज़पेपर रीड कैसे करना है ये भी मिलेगा। स्टोरी राइटिंग करने का फायदा क्या होता है? यदि आप स्टोरी राइट करते हैं तो इससे आपको सबसे अच्छा तो ये होता है कि आपके टेंस अच्छे होते हैं और साथ में स्टोरी के बाद में यदि आपने क्वेश्चन पुटअप करना सीख लिया, क्वेश्चन को फ्रेम करना सीख लिया, तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा हो गया। क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम कैसे करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है हमारे सामने। Because no question, no English। यदि आप क्वेश्चन नहीं बना सकते तो आप इंग्लिश को ना ही समझ सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। तो आज की एक्टिविटी ये है कि आपको यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है, पैराग्राफ दिए जाएंगे, उससे आपको यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम कैसे करना ये मैं बताने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये है वो जो बताती हूँ आपको कि इमीडिएट आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, तुरंत क्वेश्चन फ्रेम करना बिल्कुल शुरू नहीं करना है। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपका जो कंफ्यूजन है, हेजिटेशन है ना, एज इट इज रहने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये स्टोरी आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए करे तो करे क्या, एक नोटबुक लीजिए, उसमें पूरी स्टोरी को एज इट इज जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप लिख करके लीजिए। इसका फायदा क्या होगा, आफ्टर 10 डेज या आगे के एक महीने बाद जब भी आप ये स्टोरी देखेंगे तो आप यदि कहीं भूल भी जाते हैं तो तुरंत ओपन करके देख सकते हैं। और साथ में ये स्टोरी लर्न भी होनी चाहिए बाय हार्ट, आपको तुरंत लर्न भी क्यों होनी चाहिए। लर्न होने का फायदा क्या होगा, जब भी आप क्वेश्चनिंग करेंगे तो आपको बार बार पेजेस पलटने की जरूरत नहीं रहेगी, वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी, आप तुरंत ही आप उससे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो आपको करना क्या क्या काम है, पहले एक नोटबुक लेना है, पूरी स्टोरी को एज इट इज लिखना है जैसे मैंने लिखा है। हाँ, हो सकता है जब आप क्वेश्चंस बनाए, क्वेश्चन को जब आप मेक करते होंगे तो एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अभी हमारी प्रैक्टिस चल रही है। और उसके बाद में क्या करना है, इतना ही नहीं करना कि आपके क्वेश्चन बन गए आपने छोड़ देना है, पूरी स्टोरी को है ना लाउडली रीड भी करना है। इससे क्या होगा, इससे कॉन्फिडेंस आता है और जो कुछ क्वेश्चन जो हम लिखने में छोड़ देते हैं वो हमें बोलते बोलते ध्यान आ जाते हैं। और स्टोरी को रीड करने के बाद आपकी जो भी टंग लैंग्वेज है उसमें भी उसको ट्रांसलेट करना है। तो आपके पास में मैंने 4 वर्क दिए, पहले एक नोटबुक बनाइए, उसमें पूरी स्टोरी को जैसे मैंने लिखा बिना सेंटेंसेस चेंज किए हुए, बिना टेंस चेंज किए हुए ऐसे ही लिखना है। उसके बाद में आपको लाउडली रीड करना है, अपनी मदर टंग में उसको ट्रांसलेट करना है। After that, आप उसके क्वेश्चन आंसर बनाना शुरू करेंगे। और फ्रेंड्स, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको स्टोरी पढ़ने के बाद में समझ में आएगी, यहाँ पर मैंने सभी टेंस को मिक्स नहीं किया है, यहाँ पर ये एक्टिविटी ओनली पास्ट टेंस की है, हर सेंटेंस पास्ट टेंस से ही बिलोंग करता होगा। मैंने ऐसा नहीं किया है कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस लिया है, फ्यूचर टेंस लिया है, ये ओनली पास्ट टेंस की एक्टिविटी है, इसलिए यहाँ पे हर सेंटेंस पास्ट टेंस का होगा। प्रेजेंट टेंस की भी मैंने एक्टिविटी की है, इसके लिए आप हमारे वो वीडियोस देख सकते हैं। मतलब मैंने कुछ पैराग्राफ, कुछ स्टोरीज प्रेजेंट टेंस में भी की हुई है। और इसका फायदा क्या होता है, यदि आप एक वे में चलते हैं तो आपके डाउट जो है ना वो क्लियर होते चले जाते हैं। और ये एक्टिविटी है, ऐसी हमने बहुत सारी एक्टिविटी की है। यदि आपको पास्ट टेंस समझ में नहीं आता है, उसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं, तो इसके लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो केवल स्टोरी राइटिंग में क्वेश्चन कैसे पुटअप करना है, फ्रेम करना है, इससे रिलेटेड है। यदि पास्ट टेंस समझना है प्रॉपरली, अच्छे से उसको ध्यान में रखना है, तो इसके लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ऐप को इंस्टॉलेशन के बाद में आपको वहां पे ग्रामर का कोर्स मिलेगा और स्पोकन का कोर्स मिलेगा। दोनों ही कोर्स यूनिक कोर्स है, दोनों ही अलग कोर्स है। जहां स्पोकन के कोर्स में हम इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, स्टोरी राइटिंग है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग है, ऑन द स्पॉट आप किसी भी टॉपिक को किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वहां स्पोकन के कोर्स में यह सिखाया जाता है। और ग्रामर का कोर्स एक बहुत ही अलग कोर्स है, इसमें 200 से भी ज्यादा टॉपिक्स को हमने कवर किया है। तो ये दोनों कोर्स के लिए आपको क्या करना है मैंने बता दिया है। और फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूं। लेकिन यदि उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले इस तरीके के और भी अच्छे वीडियोस आप तक पहुंच सके।
अब मैं आपको सबसे पहले स्टोरी को रीड करके बताऊंगी इंग्लिश में और उसका साथ में ट्रांसलेशन भी करूंगी हिंदी में, लेकिन आपको ऐसा शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं लेना है। स्टोरी को राइट करना है, पहले इंग्लिश में बोलना है, उसके बाद में उसका ट्रांसलेशन करना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। स्टोरी का नाम है द ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं। ओके, स्टोरी देखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉक्स है, ये सोच लीजिए, मुझे मालूम है फेयर फॉक्स एक मेल है, या मैंने उसका कोई नेम भी रख दिया, इसलिए मैं उसको यहाँ पे फॉक्स ना बोलकर हर जगह उसको ही से इंडिकेट करूंगी। ओके, तो यहाँ पर जहां पर भी आपको ही दिखेगा वहां पर आपके लिए फॉक्स आएगा। ओके, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वन डे अ फॉक्स वेंट टू अ फॉरेस्ट, एक बार एक फॉक्स था वो जंगल में गया, लोमड़ी थी वो जंगल में गया। ओके, ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत ही भूखा था। He came to a vineyard. Vineyard का means होता है friend, जो अंगूर का बगीचा होता है, जहां पर अंगूर के बहुत सारे पेड़ होते हैं, उसको हम बोलते हैं vineyard. वो कहां पर गया? एक अंगूर के बगीचे में गया। He saw ripe grapes. उसने पके हुए अंगूर देखे, but they were hanging from the vines. लेकिन वो सब कहां पर थे? सभी उनकी लताओं पे लटके हुए थे। इट मींस यहां पर आप ये कंसीडर कर लीजिए, जहां पर वो फॉक्स खड़ा हुआ था उससे बहुत ऊंचे जो पेड़ थे, जो उसकी टहनियां थी, उस पर वो सभी अंगूर लटके हुए थे। A fox thought for a while. तो फॉक्स ने थोड़ी देर के लिए सोचा। He was very hungry. वो बहुत ही भूखा था, जैसा कि पहले क्लियर हो गया है। So he wanted to eat them. इसलिए वो उनको खाना चाहता था। उनसे मतलब क्या है? अंगूर जो लटके हुए थे वो उनको खाना चाहता था। He jumped up, but he could not reach them. उसने छलांग लगाई लेकिन वो उसको पकड़ नहीं सका। उससे मतलब क्या है? अंगूर की जो अंगूर लटके हुए थे उनको पकड़ नहीं सका। आगे क्या हुआ? He jumped again and again. वो बार बार जंप करता रहा। उसको लगा किसी ना किसी जंप में प्रयास मेरा सफल हो सकता है। आगे क्या होता है? At last he sat down. और बाद में क्या हुआ? वो नीचे बैठ जाता है। And he said, वो अपने आप से बोलता है। क्या बोला उसने? The grapes are not good. ये जो अंगूर हैं अच्छे नहीं हैं। They are sour. वे खट्टे हैं। It means अंगूर खट्टे हैं। And he went away. और वो चला गया। तो मतलब उसका जो प्रयास था वो सफल नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, मोरलिटी क्या है? मोरलिटी ये है कि हम बहुत प्रयास करते हैं, यदि हमें कोई चीज नहीं मिलती है तो हम उसको बेकार समझ के छोड़ देते हैं, जैसा कि फॉक्स ने किया। तो समझ में आ गया। और यहाँ पर अब हमारा मेन काम शुरू होता है। यहाँ पर हमें पुटअप करने हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? हर सेंटेंस पर हम एक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। और उससे पहले फ्रेंड, यहाँ पे पूरी स्टोरी पास्ट टेंस से रिलेटेड है। ओके, तो फर्स्ट लाइन हम सबसे पहले रीड करते हैं। वन डे, अब आपको ये ध्यान रखना है, ये अब मेरे लिए स्टोरी नहीं है और आपके लिए भी स्टोरी नहीं है। हर लाइन अपने आप में एक सेपरेट सेंटेंस होगा, तभी आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देती हूँ, सबसे पहले हम वर्बल क्वेश्चंस बनाएंगे और उसके बाद में WH क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं। वन डे अ फॉक्स वेंट टू अ फॉरेस्ट। एक और चीज जो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, आपको डायरेक्टली सेंटेंस पढ़ के क्वेश्चन फ्रेमिंग नहीं आ रही, ना आपको वर्बल क्वेश्चन आ रहा है ना WH आ रहा है, तो इसके लिए आप अपनी मदर टंग में उस लाइन को पहले ट्रांसलेशन कीजिए और उसके बाद में उससे क्वेश्चन बनाइए। जैसे मैं एक आपको करके बताती हूँ। One day a fox went to a forest. एक बार एक फॉक्स जंगल में गया। इसका हम verbal question कैसे बना सकते हैं? क्या फॉक्स जंगल में गया? ये हो गया हमारा verbal question. WH question के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, फॉक्स कहाँ पर गया, किधर गया, किसके साथ गया, क्यों गया, ऐसे बहुत सारे WH question put up कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम की हमें ज्यादा सोचना नहीं है। तो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। वन डे अ फॉक्स वेंट टू अ फॉरेस्ट। ओके, यहां पर सबसे पहले हमें क्या देखनी है? वर्ब देखनी है, मेन वर्ब देखनी है या हेल्पिंग वर्ब देखनी है? हमें यहां पर मिल गई है मेन वर्ब। आपको टेंस मालूम होगा तभी आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। जैसे मुझे मालूम है क्योंकि मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज की है। अब यहाँ पे वेंट से हमें क्या निकाल लेना है? यहां से हमें डिड मिल जाएगा। ओके, क्योंकि ये सेंटेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट टेंस का टेंस है, इसलिए यहां पर इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? डिड अ फॉक्स गो टू अ फॉरेस्ट। ठीक है ना, कैसे बना है? एकदम इजीली यहां से हमने निकाल लिया। अब हमें WH क्वेश्चन फ्रेम करना है। कैसे करेंगे? वेयर डिड अ फॉक्स गो, कहां पर गया? आप किसके साथ गया इसके लिए भी कर सकते हैं। विथ हूम डिड अ फॉक्स गो, इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज वेरी हंग्री। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है एक राइटिंग में आपको एक ट्रिक देने वाली हूँ, वो आप देख सकते हैं। ही वॉज वेरी हंग्री, तो यहाँ पर क्या करना है? वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी आपको मिलती है उसको पहले ले लेना है। तो यहाँ पर मुझे वॉज मिल गई, वॉज ही वेरी हंग्री या वॉज ही हंग्री, आप कैसे भी कर सकते। अब इससे हमें WH क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा था। वो भूखा क्यों था? तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं ना, वाई
Why was he hungry? वो भूखा क्यों था? With whom was he hungry? वो किसके साथ भूखा था? Sentence देखते हैं. He came to a vineyard. Vineyard का मतलब होता है अंगूर का बागीचा. इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं. He came across to a vineyard. इसका मतलब होता है वह अंगूर के बगीचे के पास से गुजरा या वह अंगूर के बगीचे में गया. अब यहाँ पर इसके लिए क्या ट्रिक हो सकती है कि हम क्वेश्चन फ्रेम कर सके? सबसे पहले तो आप बिना सोचे समझे इसका वर्बल क्वेश्चन बना लीजिए. इसके लिए केम के पास में जाएंगे, आपके पास में मेन वर्ब है. यहाँ से डिड कंसीडर कर लिया आपने. डिड ही कम टू अ वाइनयार्ड? डिड ही कम अक्रॉस टू अ वाइनयार्ड? तो अब यहाँ पर आपको डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाना है. तो आप ऐसा बोल सकते हैं ना, वह किसके साथ अंगूर के बगीचे के पास गया या वह किसके साथ अंगूर के बगीचे से गुजरा, वह अंगूर के बगीचे से क्यों गुजरा. कितने सारे बन रहे हैं, तो विथ हुम लगा दीजिए यहाँ पर. आप कुछ नहीं करना है, वह किसके साथ के लिए आप विथ हुम डिड ही कम टू अ वाइनयार्ड. या यदि यहाँ पे अक्रॉस लिखना है तो आप अक्रॉस भी लिख सकते हैं. अब वाई से भी क्वेश्चन आप पुट अप कर सकते हैं. अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है. ही सॉ राइप ग्रेप्स बट दे वर हैंगिंग फ्रॉम द वाइन्स. कितना बड़ा सेंटेंस है, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्योंकि अभी तक हम छोटे छोटे देख रहे थे, तो इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं. हम यहाँ पर उसका भी क्वेश्चन फ्रेम करने वाले. ही सॉ राइप ग्रेप्स, यहां तक पहले आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे. बट कंजंक्शन लगाया हुआ है यहाँ पर, उसके बाद में हम बाद में सोचेंगे. तो यहाँ पर हमें कंसिडर क्या कर लेना है, कंसिडर करने से पहले सर्कल कीजिए. यहाँ पर आपको मेन वर्ब मिल रही है, तो यहाँ से आप डिड कंसिडर करेंगे. ही सॉ राइप ग्रेप्स, यहाँ से डिड कंसिडर किया. डिड ही सी राइप ग्रेप्स, क्या उसने पके हुए अंगूर देखे? अब यहाँ पर क्यों से बनाइए. Why did he see ripe grapes? उसने पके हुए अंगूर क्यों देखे, किसके साथ देखे? With whom did he see ripe grapes? बन गया क्वेश्चन. अब आगे आ जाइए, अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है. They were hanging from the vines. अब यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब मिल रही है, मेन वर्ब मिल रही है, दोनों मिल रही है. लेकिन आपको ध्यान कहाँ रखना है, अब हैंगिंग से आपको स्टार्ट करना है कि वर्ब से स्टार्ट करना है? ऑब्वियसली जब ऐसा होना तो आपको सबसे पहले किसके पास जाना है, हेल्पिंग वर्ब के पास जाना है. हम क्या करेंगे, वर्ब को देके आगे ले लेंगे. वर दे हैंगिंग फ्रॉम द वाइंस, बन गया. क्या वो टहनियों में लटक रहे थे? ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. तो कैसे बनाया हमने वर्बल क्वेश्चन, वर दे हैंगिंग फ्रॉम द वाइंस. ओके, अब डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाइए. Why were they hanging from the vines? वो क्यों लटक रहे थे? ऐसा आप कर सकते हैं ना. आपको एक छोटी सी ट्रिक दूं कि अभी बीच में ही आपको जितने WH फैमिली ध्यान में आती है ना, what, why, were, with whom, in which, इस सब है ना, आप एक पेज पर लिख लीजिए, उनका हिंदी लिख लीजिए और इसमें उसको एडजस्ट करते चले जाइए. स्टार्टिंग में आप ऐसा करेंगे, बाद में आपको ये सभी चीजें ध्यान में आ जाएंगी. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड. अ फॉक्स थॉट फॉर अ व्हाइल. फॉक्स ने थोड़ी देर के लिए सोचा. अब मैं यहाँ पर है ना आपको केवल ट्रिक देने वाली हूँ, बनाने का काम आपका है. हमें किसके पास जाना है, यहाँ पे थॉट के पास जाइए. यहाँ से क्या कंसिडर करना है आपको, यदि आपने पूरे पास्ट टेंस हमारे टेक्निक की सहायता से पढ़े तो मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वहां पर हमने बहुत सारे एक्टिविटीज की है. तो आपको यहाँ से क्या कंसिडर करना है, छोटा सा हिंट दे देती हूँ, यहाँ पर आप डिड कंसिडर कर लीजिए. आगे क्या करना है वो आपको मालूम है. अब यहाँ पर अ फॉक्स थॉट फॉर अ व्हाइल, इसका डब्ल्यू एच क्वेश्चन कैसे बनेगा? फॉक्स ने ऐसा क्यों सोचा, फॉक्स ने ऐसा किसके साथ सोचा? तो आपको ये करना है, कमेंट बॉक्स में आपको ये सब क्वेश्चंस आपको लिखकर मुझे बताने पड़ेंगे. नेक्स्ट देखिए. ही वॉज वेरी हंग्री सो ही वॉन्टेड टू ईट देम. बहुत बड़ा सेंटेंस है, आप देख सकते हैं. इसको ब्रेक करना सीखिए, पहले तुरंत स्टार्ट मत कर दीजिएगा, इसको ब्रेक कीजिए. ही वॉज वेरी हंग्री, यहां तक बनाइए. फिर यहां से ही वॉन्टेड टू ईट देम, तो यहां पर किसके पास जाना है आपको, ये मैंने सर्कल किया, आप देख सकते हैं वॉज के पास. और यहां पर किसके पास जाना है, वॉन्टेड के पास. वर्बल क्वेश्चन फ्रेम होगा, लेकिन अब क्वेश्चन इंग्लिश में मैं नहीं बनाऊंगी, वो आप बनाएंगे. अभी मैं केवल हिंदी में आपको बोलकर बताऊंगी. जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, ही वॉज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा था. तो हम इसको, मैं इसका वर्बल क्वेश्चन हिंदी में बनाती हूँ. वह भूखा था क्या, इसको आपको बनाना है. आप लिख सकते हैं वह भूखा था क्या, ये हो गया वर्बल क्वेश्चन. इसका डब्ल्यू एच क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो भूखा क्यों था, वो इतना भूखा क्यों था. समझ में आया. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट है, ही वॉन्टेड टू ईट देम, वह उनको खाना चाहता था. तो इसका वर्बल क्वेश्चन क्या बनेगा, वह उनको खाना चाहता था क्या, ये हो गया वर्बल क्वेश्चन. डब्ल्यू एच क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, कि वह उनको क्यों खाना चाहता था, वह किसके साथ उनको खाना चाहता था. इस तरीके से आप डब्ल्यू एच क्वेश्चन फ्रेम करेंगे. ये सब इंग्लिश में करना है आपको. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. ही जंप्ड अप बट ही कुड नॉट रीच देम. अब यहां पर भी आपको सेंटेंस को ब्रेक करना पड़ेगा. ही जंप्ड अप, यहां तक एक सेंटेंस कंसीडर करना पड़ेगा और आगे के लिए एक सेंटेंस कंसीडर करना पड़ेगा. ये ट्रिक मैं आपको दे रही हूं, आपको केवल ध्यान रखना है. ही जंप्ड अप, किसके पास जाएंगे आप यहाँ पर, आपके पास में मेन वर्ब है कि हेल्पिंग.
प्रीसीडिंग वर्ब है पहले ये आपको सोचना पड़ेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर मेरे पास में मेन वर्ब है, जंप्ड के पास जाएंगे। वह कूदा क्या, ये हो गया वर्बल क्वेश्चन, ये आप बनाएंगे। वह कूदा क्या, वह इतना ऊंचा क्यों कूदा, वह किसके साथ कूदा, तो ये हो गया डब्ल्यूएच क्वेश्चन, बनाने का काम आपका है। नेक्स्ट देखिए, ही कुड नॉट रीच देम, वह पहुंच नहीं सका। मैं ना बार बार हिंदी में ट्रांसलेट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है, आपको भी ऐसे ही करना है, तुरंत इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं करना है। ही कुड नॉट रीच देम, वह पहुंच नहीं सका, वह पहुंच नहीं सका क्या, ये इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, किस पर ध्यान रखना पड़ेगा, कुड पर ध्यान रखना पड़ेगा, या आपको कुड नॉट भी ले सकते हैं आप। वह क्यों नहीं कूद सका, ठीक है, ये हो गया वर्बल क्वेश्चन। वह किसके साथ नहीं कूद सका, वह वहां से क्यों नहीं कूद सका, वो कहां पर नहीं कूद सका, कितने सारे डब्ल्यू एच क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो रहे हैं। नेक्स्ट से पहले मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर आपको कुड को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, आगे आ जाइए। ही जंप्ड अगेन एंड अगेन, वो बार बार कूदा। यहाँ पर फिर से जंप्ड के पास जाएंगे, जंप्ड के पास जाकर आपको क्या कंसिडर करना है, यहाँ से डिड ले लेना है। ओके, वह बार बार कूदा क्या, वह बार बार क्यों कूदा, वह किसके साथ बार बार कूदा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, एट लास्ट ही सेट डाउन, सबसे पहले हमें इतना ही सोचना है, एट लास्ट ही सेट डाउन, सेट के पास जाएंगे, आपको कंसीडर करना है। ही सेट डाउन, वह बैठ गया, वह बैठ गया क्या, वह क्यों बैठ गया, वह किसके साथ बैठ गया। ओके, आगे आ जाइए। एंड क्या है, आपको जॉइंट का काम क्या, कंजंक्शन का काम क्या, ही सेड, ही सेड की जगह आप सेड को कंसीडर करेंगे। सेड से आपको क्या लेना है, आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है। उसने कहा, उसने कहा क्या, उसने क्यों कहा, उसने किसके साथ कहा, उसने कहां पर कहा, कितने सारे बन गए। द ग्रेप्स आर नॉट गुड, ओके, तो ये आपके इन्वर्टेड कॉमा में है, इसको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे कुछ भी ध्यान नहीं देना। आगे आ जाइए। दे आर सोर, वे खट्टे हैं, वे मतलब क्या है, अंगूर, तो यहाँ पर आपको आर को कंसीडर करना है, आप देख सकते हैं। वे खट्टे हैं क्या, वे खट्टे क्यों हैं, वो कहाँ पर इतने खट्टे हैं, इस तरीके से आप स्टूपिड बन जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, एंड ही वेंट अवे, फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं, द ग्रेप्स आर नॉट गुड, दे आर सोर, ये पूरा ही इन्वर्टेड कॉमा में है, लेकिन यदि आप बनाना चाहते हैं तो इसका आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, दे आर सोर का। ओके, एंड ही वेंट अवे, वह चला गया, वह चला गया क्या, वह किसके साथ चला गया, वह क्यों चला गया, वह कहां पर चला गया। मैंने आपके सामने यहाँ पर मोर देन क्वेश्चंस आपके सामने फ्रेम किए हैं। इसका फायदा कहां पर होता है, इसका फायदा जब आप डिबेट करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तब आपके सामने इसका फायदा निकल कर आता है। स्पीच देते हैं तब आपको फायदा होगा, इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, वो किसी भी तरीके से बिल्डअप होना, यही हमारा उद्देश्य होता है। तो यदि आप ऐसा कर पा रहे हैं तो ठीक है, यदि नहीं कर पा रहे तो इसका भी आप सुन लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको पास्ट टेंस समझ में आना चाहिए, पूरी स्टोरी पास्ट टेंस से रिलेट है। तो पास्ट टेंस सीखने के लिए क्या करें, अभी तक आपने कितने घंटे में पास्ट टेंस सीखे, यदि 2 घंटे में पूरे टेंस सीखे तो पास्ट टेंस सीखने के लिए मुझे लगता है आधा ही घंटे का टाइम दिया होगा, या हो सकता है 45 मिनट्स दिए होंगे। तो यदि आप प्रॉपरली पास्ट टेंस सीखना चाहते हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज भी करना चाहते हैं, तो आपको आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा, और उसको करने के बाद में आपको बहुत सारी मोर देन एक्टिविटीज आपको वहां पर मिलने वाली है। स्टोरी राइटिंग होने दीजिए, पैराग्राफ राइटिंग होने दीजिए, डिबेट टाइप के कुछ टॉपिक्स भी हमने कोर्स में रखे हुए। इसका फायदा क्या होता है, इससे आपको तुरंत ही आगे क्या करना है ये समझ में आता चला जाता है। तो स्टोरी क्या है, स्टोरी केवल आपकी स्टार्टिंग है, स्टोरी के बाद में पैराग्राफ को रीडिंग कैसे करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करना है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। और यदि आप ये सभी चीजें सीख लेते हैं तो उसके बाद में आप तुरंत क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, तुरंत ही किसी टॉपिक पे बोलना शुरू कर सकते हैं। तो ये आप अपने पर्सनालिटी ग्रूमिंग जो होती है ना, वो आपकी स्टोरी से ही शुरू होगी। ये स्टोरीज बहुत इजी है, आपको पहले इजी से हार्ड पर जाना है, ना कि तुरंत ही हार्ड पर पहुंच जाना है। तो मैंने बताया आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कीजिए, जो होमवर्क दिया उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, और सभी चीजें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच।